इसमें सदर बाजार गांधी चौक से शिवन होटल की तरफ है और हमारे समक्ष वर्मा जी हैं, वो तो अपना परिचय भी देंगे और रानीखेत जिले के बारे में हमें अपने विचारों से अवगत कराएंगे। मेरा नाम महेश वर्मा है, मैं रानीखेत से 23 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मेरी जो मेरा गांव है ये कुंवाली नाई पंचायत है और मेरा हमेशा ये सोचना है, हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य भी है जो रानीखेत के पास जो 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के रेंज में जो गांव है उनके लिए बड़ी दिक्कत है। और पर्सनली हम मछखाली वाले, इधर कुंवार आपके दुखुन पट्टी वाले और कंडार खुआ पट्टी वाले और नाई पंचायत कुंवाली वाले की बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए भी दुर्भाग्य है कि इनकी विधानसभा जो है वो सोमेश्वर है, ब्लॉक जो है ये दोरहाट है, तहसील जो है रानीखेत है, जिला जो है अल्मोड़ा है। ये राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, भौगोलिक स्थिति से भी पिछड़े हुए हैं, तो उनके बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इनको जब जिले का काम करना पड़ता है उनको अल्मोड़ा जाना पड़ता है, जब ब्लॉक का काम करना पड़ता है उनको दोरहाट विधानसभा जाना पड़ता है, जब उन्हें तहसील का काम करना था तो रानीखेत विधानसभा के द्वारा आना पड़ता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी तो हमेशा ही मांग रही थी रानीखेत जिला बनना चाहिए और रानीखेत जिला बनने से जो इसके निकट गाँव जितने भी लगे हुए हैं, जो जितना मैं समझ सकता हूँ अपनी भौगोलिक स्थिति को, इनका पक्का मेरे विश्वास से इनका विकास होगा। और दूसरी दुर्भाग्य ये भी है कि हमेशा यहाँ पर जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ रही हैं, कांग्रेस बीजेपी, तो उनका एक दुर्भाग्य ये रहा कि हमेशा उत्तरांचल की उत्तराखंड की सरकार में इनको सरकार में रहने का किसी न किसी मत से हमेशा मौका मिला है। ये विपक्षी के थ्रू हो या अभी वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं राउत जी, ये भी यहीं के रहने वाले हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से ये पिछड़ता रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट जो बनना चाहिए रानीखेत। और मेरा यही कहना कि जल्दी डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, छोटे जितने भी डिस्ट्रिक्ट बनेंगे इससे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें हमेशा विकास हुआ है। अच्छा, तो इसके मतलब ये है कि हम लोग अगर आपके इलाके में इधर घूमें तो हमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिलेगा और हम काफ़ी वीडियो संदेश। हम जब भी जिले के लिए कोई भी रानीखेत में छोटा या बड़ा कोई भी मूवमेंट हुआ तो हमेशा हम लोगों का योगदान रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमेशा कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी इस मूवमेंट को हाईजैक करने के बाद इस मूवमेंट का हमेशा दफन हो जाता है। और राजनीतिक ढंग से मौके जब इलेक्शन आते हैं नज़दीक तो इन दिनों में इनकी चहलगर्मियाँ बढ़ जाती हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं इनकी चहलगर्मियाँ खत्म हो जाती हैं। हाँ, लेकिन देखिए हमने ये सोशल मीडिया में ये कैंपेन चलाया है तो इसका नाम ही हमने अभियान रानीखेत जिला एबव पार्टी मैन लिखा है, क्योंकि हम इसे पार्टी से किसी से संबंधित नहीं मानते हैं। इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं और जो जो लोग भी हमें मदद करेंगे हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मेरा तो पर्सनल, मेरी खुद की बात की जाए, मैं खुद कांग्रेस से पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं मछखाली ब्लॉक में भी मछखाली जो पार्टी का ब्लॉक है मैं यहाँ से आपका पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही। तो अब तो हम लोगों को एक बार दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उनका भी मोह छोड़ना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि रानीखेत में जिला बन पाएगा। धन्यवाद। आपने मोबाइल नंबर जरा प्लीज। हाँ, मेरा जो मोबाइल नंबर है 9412402846। थैंक यू वेरी मच।